मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, आज हम भारत की खोज पुस्तक पढ़ेंगे जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। नई समस्याएं इसका जो चैप्टर है वो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आएगा और इसका जो उपशीर्षक है वो है अरब और मंगोल। भारतवर्ष पर हमेशा से बहुत सारे विदेशी आक्रमण होते रहे और वहाँ से आने वाले जो विदेशी आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, वो भारत पर कितने अत्याचार और कितने यहाँ से खजाने लूट लूट के ले जाते रहे वो इस चैप्टर में बताया गया है कि कौन कौन से लोग तुर्क थे, अरब और मंगोल कैसे यहाँ पर आए और यहाँ बहुत ज़्यादा उन्होंने खून खराबा किया, यहाँ की जनता को बहुत सताया और जिस जिस हिस्से में वो भारत के पहुँचते रहे वो कैसे यहाँ पर अपना आतंक फैलाते रहे, इस सब के बारे में भारत को कौन कौन सी नई समस्याओं का सामना करना पड़ा वो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो इसमें अरब और मंगोलों के बारे में बताया गया है कि जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन त्सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे तो उस समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुँचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य और पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आई। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। तो बच्चों, इसमें हर्ष उत्तर भारत में एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे कि उनके समय में जो चीनी यात्री थे, चीनी विद्वान थे, वो भारत आया करते थे। आप तक्षशिला और नालंदा के विषय में जानते हैं कि वो भारतवर्ष में बहुत बड़े विश्वविद्यालय थे और वहाँ दूर दूर देशों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी और विद्वान यहाँ आया करते थे और वो नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके जाते थे। और इतना ज्ञान, क्योंकि भारत जो था विश्वगुरु ऐसे ही नहीं था, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति बहुत प्राचीन थी और बहुत समृद्ध थी, जिसको पाने के लिए लोग लालायित रहते थे। तो इसी तरह से जो यहाँ पर हमने इस चैप्टर में जो पहला पैराग्राफ पढ़ा है कि हर्ष जो थे वो उत्तर भारत के शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और उनके समय में एक चीनी यात्री भारत में आया था, तो पहला प्रश्न हम लोग बनाएंगे कि भारत में शक्तिशाली साम्राज्य के शासक कौन थे। तो वो थे हर्ष। भारत में कौन थे? हर्ष थे शक्तिशाली साम्राज्य के। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि नालंदा में कौन चीनी यात्री अध्ययन कर रहे थे? हुआन त्सांग जो थे वो चीनी यात्री नालंदा में अध्ययन कर रहे थे। फिर मध्य और पश्चिमी एशिया में कौन सी जातियां आगे आई? तुर्की जातियां। कौन सी जातियां आगे आई? तुर्की जातियां। फिर हम इसी में, ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ से कुछ प्रश्न बनाए हैं। फिर आगे चलते हैं। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतेह किए, पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़े। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफ़ी मजबूत था। किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ। राजदूतावासों की अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकें, विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची और वहाँ अरबी में उनके अनुवाद हुए। बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए। यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे। भारत के दक्षिणी राज्यों ने भी इसमें हिस्सा लिया, विशेषकर राष्ट्रकूटों ने जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे। बच्चों,
अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतेह किए। उन्होंने भारत के कोने कोने में पहुंचे, कभी दिल्ली पर आक्रमण किया, कभी उत्तर भारत पर आक्रमण किया, और जो इलाके उनसे बच जाते थे, छूट जाते थे, वो तो खुशहाल रहते थे, लेकिन जहां वो पहुंच गए वहां वो तबाही मचा दिया करते थे। तो पर भारत में वे तब भी सिंध से आगे नहीं बढ़े। ऐसा नहीं था कि भारत कमज़ोर था, बहुत वीर शासक, वीर राजा यहाँ पर थे और उन्होंने पूरी कोशिश की, इसलिए वो सिंध से आगे नहीं बढ़े। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफ़ी मजबूत था। किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। सिंध बगदाद को केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ, पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ। राज्य दूतावासों की अदला बदली हुई और जो यहाँ की पुस्तकें थी, विशेषकर कौन सी पुस्तकें, गणित की और खगोल शास्त्र की, वो बगदाद पहुँची। और वो जो हिंदू पुस्तकें थी, भारतीय पुस्तकें थी, उनका अनुवाद काहे में कर दिया गया, अरबी में उनके अनुवाद हुए। तो पहली बार जो गणित की और खगोल शास्त्र की पुस्तकें थी वो बगदाद कहाँ से पहुँची थी, वो भारत से ही बगदाद में पहुँची थी और उसके बाद ही अरब में, अरबी भाषा में उनका अनुवाद हुआ था। बहुत से भारतीय चिकित्सक भी बगदाद गए। अगर हम इसका प्रश्न बनाएं कि भारतीय पुस्तकें कहाँ पहुँची, तो भारतीय पुस्तकें जो थी वो भारतीय पुस्तकें बगदाद पहुँची, और वो थी गणित की और खगोल शास्त्र की। फिर भारतीय चिकित्सक कहाँ पहुँचे, वो भी बगदाद पहुँचे। वहाँ अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति को फैलाने के लिए वो बगदाद पहुँचे। कई शताब्दी पहले कौन सा धर्म भारत में आया? कई शताब्दी पहले इस्लाम धर्म जो था वो भारत में आया। फिर 1000 ईस्वी के आसपास किसने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए? अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी के आसपास आक्रमण करने आरंभ किए। फिर महमूद गजनवी कौन था? महमूद गजनवी तुर्क था। और फिर महमूद अपने साथ क्या ले गया? भारत से बहुत बड़ा खजाना महमूद गजनवी अपने साथ ले गया था। महमूद ने किस किस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया? पंजाब और सिंधु को महमूद ने अपने राज्य में मिला लिया। तो बच्चों, हमने इसमें यहाँ तक पढ़ा कि यहाँ से जो गणित और खगोल शास्त्री थे वो बगदाद पहुँचे, और वो जो थे भारत के भारतीय चिकित्सक भी बगदाद गए। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का धर्म, यहाँ की पुस्तकें, गणित की, खगोल शास्त्र की, और भी बहुत अच्छे अच्छे विषय, भारतीय चिकित्सक वो विदेशों में गए और भारत की शिक्षा पद्धति को उन्होंने वहाँ पर फैलाया। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए इस्लाम धर्म की जानकारी हो गई। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ। मस्जिदें बनी, न शासन ने इसका विरोध किया और न जनता ने। आप जानते हैं कि भारत जो है हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जिसमें बहुत सारी संस्कृतियाँ, बहुत सारे धर्म आकर मिलते रहे हैं, और उसकी जो समन्वयवादी प्रवृत्ति थी, यही एक बहुत बड़ा कारण भी रहा कि यहाँ पर लोगों ने समय समय पर भारत से बहुत लूटपाट की, बहुत खजाना वो अपने देश में ले गए और यहाँ की लोगों को, यहाँ की जनता को बहुत त्रस्त किया, बहुत उनके ऊपर अत्याचार किए। बच्चों, आपके मन में ये बात आती होगी कि भारत पर इतने विदेशी आक्रमण क्यों होते रहे? भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था और यहाँ पर बहुत खजाना था, बहुत हीरे जवाहरात, सोना चांदी भरा पड़ा था। इसकी खबर जो थी वो विदेशों तक पहुँचती थी, वो आक्रांताओं तक पहुँचती थी, और अपने लालच में आकर के वो यहाँ आकर के बहुत लूटपाट करते थे, लोगों को सताते थे। फिर हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी और अफगान के बारे में।
महमूद गजनवी और अफगान। लगभग 300 वर्षों तक भारत पर कोई और आक्रमण नहीं हुआ। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। महमूद गजनवी तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए जिनमें बहुत खून खराबा हुआ। हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया। हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए। इतने अत्याचार महमूद गजनवी ने किए कि हिंदू जैसे धूल के कण इधर उधर फैल जाते हैं, उसी तरह से हिंदू भी बिखर गए, इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए बिखर गए और उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्सों की तरह बाकी रह गई। अपनी जान बचा करके जो लोग रह गए थे वो अपने साथ वालों को याद किया करते थे, उनके किस्से ही बस सुनाते थे। जो तीतर बीतर होकर बचे रहे उनके मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। ये बात जायज़ थी, ये बात बिल्कुल सत्य थी कि जो लोग बच गए थे जब उन्होंने इतने अपने ऊपर अत्याचार होते हुए देखे तो मुसलमानों के प्रति उनके मन में बहुत नफरत बैठ गई। अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी। पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था और उसके धावे के रास्ते में पड़ा था। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत उससे पूरी तरह बच गया था। उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को महमूद गजनवी ने छुआ था, उसी को उसने बुरी तरह से लूटपाट मचाई, लोगों को मारा, और इसमें जो पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत था वो उसको तो वो छू ही नहीं पाया था और इसलिए वहाँ पर ज़्यादा तबाही नहीं मची थी। फिर भारत महमूद ने पंजाब और सिंधु को अपने राज्य में मिला लिया। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था। वो क्या करता था, उसे भारी, अगर हम इसका प्रश्न देखें तो उसे भारी हार कहाँ पर खानी पड़ी। उसे काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में उसे भारी हार खानी पड़ी। जो काठियावाड़ का राजस्थानी इलाका था, रेगिस्तान था, वहाँ पर उसे भारी हार खानी पड़ी। फिर महमूद की मृत्यु कब हुई, 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हुई। महमूद ने पंजाब और सिंधु को अपने राज्य में मिला लिया। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। वहाँ पर कश्मीर पर विजय नहीं प्राप्त कर सका वो, ये पहाड़ियाँ थी वहाँ पर, पहाड़ी प्रदेश था, तो वो वहाँ पर नहीं जा सका, वहाँ विजय नहीं प्राप्त कर सका और यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। इसका प्रश्न हम बनाएंगे कि काठियावाड़ में उसे कहाँ भारी हार खानी पड़ी, तो काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में उसे भारी हार खानी पड़ी। पूरा प्रश्न हम बनाएंगे। और इस आखिरी धावे के बाद वो फिर नहीं लौटा। उसकी जो मृत्यु थी वो कब हुई, उसकी महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। ये कितना भारत के लिए स्वर्णिम समय था कि 160 वर्षों तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ और पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी आक्रांता आ गया भारत में। शहाबुद्दीन नाम के एक अफगान, वो कौन था, वो अफगान था, ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली पर। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया। अब उसको दिल्ली में किसने पराजित किया, पृथ्वीराज चौहान जो बड़े शूरवीर राजा थे उन्होंने उसको पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फौज लेकर लौटा। इस बार उसकी जीत हुई
और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा। देखिए कि महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो चुकी थी। उसके बाद 160 वर्षों तक भारत पर किसी का आक्रमण नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि उसके बाद जो था पंजाब के आगे तुर्की शासन का भी विस्तार नहीं हो पाया। और जो शाहबुद्दीन गौरी था, शाहबुद्दीन गौरी एक और अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली पर। दिल्ली के जो राजा थे उस समय पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने, वो बड़े शूरवीर थे, उन्होंने उसको पराजित कर दिया। शाहबुद्दीन उसके बाद अफगानिस्तान लौट गया हार करके, लेकिन फिर वो पूरी तैयारी के साथ भारतवर्ष में लौटा और उसके बाद उसकी जीत हुई और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा। ये प्रश्न हम इसमें से बनाएंगे। दिल्ली फतेह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतेह हो गया। दिल्ली में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 150 और लगी, लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी। वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था। लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा है और ऐसा होना उसकी नियति थी, उसका भाग्य बन गया था ऐसा होना कि अफगानिस्तान जो था वो भारत का हिस्सा बना रहा काफ़ी लंबे, क्योंकि वहाँ से आक्रांता आते रहे और अफगानिस्तान जो था भारत का हिस्सा बना रहा। आपको कि भारत पर जो महमूद गजनवी के का जो आक्रमण हुआ था, वो पंजाब जो था काफ़ी लंबे समय तक भारत से अलग हो गया, क्योंकि वो किसके अधिकार में चला गया था, वो महमूद गजनवी के अधिकार में चला गया था। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी। वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था। लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा है और ऐसा होना उसकी नियति थी। आगे बढ़ते हैं। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने भारत की उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। अभी तुर्क मंगोल तैमूर कब आया? 14वीं शताब्दी के अंत में। और ये आया किस तरफ से? उत्तर की ओर से। उसने दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। दिल्ली अधिकतर आक्रांताओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र थी और वो आकर दिल्ली पर आक्रमण करते थे, दिल्ली को ध्वस्त करते थे। वह कुछ ही महीनों भारत में रहा, वह दिल्ली आया और लौट गया। पर जिस रास्ते से वह आया, तुर्क मंगोल तैमूर इतना कट्टर था तैमूर कि जिस रास्ते से वह आया था उसने उसको वीरान कर दिया। जिन लोगों को उसने कत्ल किया था उन्हीं की खोपड़ियों के मीनारों से वह रास्तों को सजाता चला गया। लोगों के सिर काट काट करके मीनार बनाता हुआ चला गया और रास्तों को सजाता। उसे मज़ा आता था इन सब क्रूरताओं को करने में। दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई, मुर्दों का शहर बना दिया था उसने दिल्ली को। सौभाग्य से वे बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही वे यह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। बार बार दिल्ली पर आक्रमण होते रहे पंजाब पर, और ये जो भयानक त्रासदी थी, ये जो भयानक आक्रमण थे, लोगों को इनसे गुजरना पड़ता था। और आप खुद इस पर ये सोच सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीतती होगी। दिल्ली को मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लगे। जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी। तैमूर के हमले ने साम्राज्य को तोड़ दिया था।
और उसके खंडहरों पर दक्षिण में कई राज्य उठ खड़े हुए थे। इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में दो बड़े राज्य कायम हुए थे, गुलबर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है और विजयनगर का हिंदू राज्य। अगर हम कहें कि शाहबुद्दीन दिल्ली के तख्त पर कब बैठा, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे 1192 ईस्वी में। फिर दूसरा प्रश्न हम लेते हैं कि 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने किस तरफ से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया था, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे उत्तर की ओर से आकर उसने दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया था। फिर आगे जो दो बड़े राज्य थे वो था गुलबर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है और विजयनगर का हिंदू राज्य। दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों में बट गया। दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी और वहाँ के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी जो एक हिंदू राज्य था। इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से दक्षिण हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया। उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था। ये जो शहर था बहुत सुंदर था और बहुत समृद्ध भी था। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था, उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल पावर था। 1526 में उसने दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया और मध्य एशिया के तैमूर वंश का जो ये शासक था वह था तुर्क मंगोल बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। इस तरह तो उनकी नींव मुगल साम्राज्य की बड़ी सुदृढ़ नींव जो थी वो भारत में पड़ती चली गई और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली थी। फिर तो पूरे भारतवर्ष पर इनका शासन होता चला गया। और इसके जो प्रश्न उत्तर आपको बताए हैं मैं आपको शीट्स में भी भेजूंगी और जो बीच बीच में हैं वो भी आपको करने हैं।